हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। बारिश का मौसम हो और इंडियन किचन्स में पकोड़े ना बने, हो ही नहीं सकता। आज हम भी ऐसे ही कुछ पकोड़े बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। हम बनाने जा रहे हैं अनियन रिंग्स, क्योंकि पकोड़े बच्चों को बड़े बोर से लगते हैं, तो उन्हीं के स्टाइल के लिए अनियन रिंग्स, कुरकुरे क्रिस्पी अनियन रिंग्स। इसके लिए हम 3 मीडियम प्याज लेंगे और उसको गोल गोल काट लेंगे। प्याज की रिंग्स निकाल लेंगे और ये रिंग्स आधा इंच के करीब मोटे होने चाहिए, ताकि हम इसको बैटर में अच्छे से डिप कर सकें। अब ब्रेड क्रम्स लेंगे और उनको सीजन करेंगे थोड़े से ओरिगेनो और सॉल्ट के साथ। अब बैटर बनाने के लिए 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप ही हम मैदा लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, नमक, ओरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी की खुशबू ही अलग आती है। आप चाहें तो जिंजर पाउडर या गार्लिक पाउडर की जगह जिंजर और गार्लिक को पेस्ट बनाकर या बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और एक थिक बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी उतनी ही होनी चाहिए जैसे पकौड़े बनाने के लिए बेसन की होती है। ये देखिए कितना थिक बैटर बना लिया है। अब हम एक हाथ से, याद रखेंगे एक हाथ को गीला रखेंगे और एक हाथ को सूखा, अनियन रिंग्स को इस बैटर में डालेंगे, डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम में रख देंगे और दूसरे सूखे हाथ से ब्रेड क्रम के साथ कोट करेंगे। अगर हम गीला और सूखा हाथ मिक्स कर देंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, हमसे फिर संभलेगा नहीं, इसलिए एक हाथ को सूखा रखें और एक हाथ को गीला रखें। ये देखिए हमारे अनियन रिंग अच्छे से कोट हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए फ्राई करने के लिए और मीडियम फ्लेम पर अपने अनियन रिंग्स को फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मजा आता है इनको खाने के लिए। ये देखिए हमारे अनियन रिंग्स तैयार हो गए हैं, है ना, कितनी ईजी सी रेसिपी। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसको आप टोमेटो सॉस, चिली सॉस उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे पास ये गार्लिक चटनी भी पड़ी थी, गार्लिक पाउडर, ड्राई गार्लिक चटनी, वो भी मैंने डाल दी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इमेजिन कीजिए कि अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं और उसके साथ ये खा रहे हैं, सच्ची में बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड एंजॉय।